तो नमस्कार, मैं सर्वजीत पीएम किसान 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बन रही है भाइयों। आज हम लोग फिर से राहुल जी की ही वीडियो बनाएंगे, जॉन डियर 5038D पौने 2 मीटर रोटावेटर पे भाइयों। आज इसका हम लोग दम देखेंगे भाइयों। ये राहुल जी अपना आलू का खेत बना रहे हैं भाइयों। अभी इसको एक पाँव इसको खोल चुके हैं कल्टीवेटर के साथ, अब रोटावेटर के साथ इसको खोल रहे हैं, जो कि देख सकते हैं आप काफ़ी दमदार चल रहा है ट्रैक्टर। अभी इसकी सेटिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ा कल्टीवेटर पर चल रहा था, इसके बाद धान की दवाइयाँ हो रही थी, जब इसकी से देखिए क्या शानदार आवाज़ है भाइयों। ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी लगी हमें बताइएगा भाइयों। और देख लीजिए अपना बना रहे हैं खेत, जो कि काफ़ी अच्छा मिट्टी आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसकी मैं गहराई दिखा दे रहा हूँ आपको, कितनी गहराई से जोत रहा है देख सकते हैं आप। फिलहाल आप देख सकते हैं कितना गहरा है ये मिट्टी, जो कि ये पुराना वाला रोटावेटर, जो वजन वाला रोटावेटर है भैया, ये वाला रोटावेटर है, ये नहीं अभी जेरोवेटर नहीं है, ये रोटावेटर है पुराना वाला, जो कि आप देख सकते हैं मिट्टी काफ़ी अच्छा बना रहा है। और इसके बाद दूसरा पाँव करेंगे इसको भाइयों, कि मिट्टी और अच्छी आ जाए। अभी तभी थोड़ा सा भैया नम है, जिस वजह से मिट्टी और भुरभुरी नहीं आ रही है। इसको कल सुबह या तो कल दोपहर में भैया जी करते तो और अच्छा आती मिट्टी इसकी आती। और हम लोग जानेंगे भैया जी से कितने नंबर में चला रहे हैं, कितने आरपीएम में चला रहे हैं, ये सारा कुछ भैया जी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग ट्रैक्टर की आवाज़ सुनिए भैया, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी लगी। 38 HP ट्रैक्टर है भैया, देखिए जॉन डियर आसमान से बातें करता हुआ, जॉन डियर 5038D भाइयों 38 HP में, क्या शानदार आवाज़ है भाइयों। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में थोड़ा भी लाउड नहीं मान रहा है भाइयों। 1.25 मीटर का शक्तिमान का रोटावेटर है, आप देख सकते हैं पुराना वाला जो पहले आता था, आप देख सकते हैं ये 38 HP है भाइयों, भाई पुराना वाला रोटावेटर है, जो वजन में भी काफ़ी वजन होता था इसकी, उस वजह से ट्रैक्टर पर भी थोड़ा कम लोड पड़ता है भाइयों। और मैं मिट्टी दिखाना चाहूँगा आपको, ये अभी एक बार किसान भाई ने इसको कल्टीवेटर से किया हुआ था, और इसके बाद इसको रोटावेटर चला रहे हैं, इसमें आलू की रुपया होगी भाइयों। हमारी तरफ इस समय थोड़ा सा मौसम की और थोड़ा सा वर्करों की कमी की वजह से भाइयों थोड़ा देरी हो रही है गेहूँ की बोइया और आलू की बोइया में, नहीं तो अब तक हमारे यहाँ आलू और गेहूँ की बोइया हो जाया करती थी। और देखिए राहुल जी हैं भाइयों, हम लोग इनसे भी बात करेंगे भाइयों, कितने नंबर में चला रहे थे, कितने आरपीएम में चला रहे थे। ट्रैक्टर में देख थोड़ा भी आरपीएम नहीं छोड़ रहा था, और मैं आपको ट्रैक्टर की इसकी गहराई दिखाना चाहूँगा रोटावेटर की, देख सकते हैं आप कितनी गहराई है। देखिए भाइयों ये रही गहराई, देख सकते हैं आप ये 6 से 7 इंची गहराई होगी भाइयों, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है भाइयों मिट्टी, आप देख सकते हैं भुरभुरी हो चुकी है पूरी। अभी एक ही बाव किया है, अगर अगली बाव कर देंगे तो ये इसकी मिट्टी और भुरभुरी हो जाएगी भाइयों। और ट्रैक्टर भाइयों में थोड़ा भी लोड नहीं है, और जॉन डियर की खासियत ये है भाइयों कि ये आप लोड देते जाइए, ये लोड को एडजस्ट करते जाता है हमेशा। देखिए भाइयों मैं आप थोड़ा सा मिट्टी को दिखाना चाहूँगा थोड़ा जूम करके, अभी कैमरे में आपको समझ नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा जूम करके आप थोड़ा सा विस्तृत दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इधर जिधर किसान भाई ने अभी एक ही बार ट्रैक्टर ले गए हैं, उधर की मिट्टी आप देखते हैं थोड़ा सा भी आपको ढेले दिख रहे होंगे, जो खूटी है धान की उसके ढेले आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अब मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा, अभी किसान भाई से दोबारा गए हैं इस पर, तो मैं इसकी मिट्टी दिखाना चाहूँगा आपको। अभी एकदम भुरभुरी कर चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये खेत अभी नम है भाइयों, इस वजह से थोड़ा सा मिट्टी इसकी अभी भुरभुरी नहीं आ रही है। अगर ये इसके 1-2 दिन और किसान इसको रुक गए होते, या तो कल शाम में इसी टाइम अगर इसको बनाते खेत तो और अच्छा आता, लेकिन अभी काफ़ी देर हो चुकी है भाइयों, और सबके काम ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं भाइयों। अभी हार्वेस्टर चल रही है, तो वहाँ पर भाई किसान भाई जाएंगे, वहाँ पे कटवाना है धान, इधर एक तरफ रेपर चल रहा है, जिस वहाँ पे रेपर भी जाएंगे। अभी खलिहान में भी धान आ रहा है, कुछ लेबर धान खलिहान में लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी भाइयों अभी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है किसान भाई उन लोगों के पास। हमारा भी धान अभी खेत में ही है, तो इस वजह से अभी वीडियो नहीं आ पा रही है, और काफ़ी दिक्कतों का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। अभी चल रहा है उसी तरह, जल्दी जल्दी काम सारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं भाइयों की, जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर लिया जाए। और हम लोग काफ़ी पिछड़ चुके हैं, पिछले साल हम लोग अब तक बो चुके थे 24 नवंबर, आज 25 नवंबर हो चुके हैं भाइयों, अब तक हम लोग पूरी गेहूँ की बोइया कर चुके थे, और बल्कि आगे कर चुके थे, अब गेहूँ निकल रहा था, लेकिन अभी क्या है कि अभी धान ही खेत में है, इधर पास में ही मेरा
हमारा खेत है, आप देख सकते हैं अभी धान हमारे खेत में पड़ा हुआ है। अभी इसकी कटैया भी कल खत्म हुई थी, वर्कर लोग कल इसको काटे, अभी तो पड़ा हुआ है धान सारा कुछ खेत में ही। अब कैसे होगा, कितना जल्दी होगा। और उसके बाद अभी एक प्रॉब्लम ये है भाइयों कि अभी हम लोग के खेत की जो इधर थोड़ा सा बालूहट जो कहते हैं, बालू लेके रेत वाला खेत, इधर वाला हम लोग का खेत है, इसलिए इसकी नमी बहुत जल्दी भागती है। तो अभी हम लोग ने इसको काटने से पहले हम लोग ने भरा था इसको, आप देख सकते हैं इसकी नमी भाग चुकी है। बस अभी एक बोने लाख अभी बचा हुआ है, अभी धान की बुआई हो सकती है, अभी उतना नमी है इसमें, लेकिन अगर ज़्यादा लेट हुआ तो इसको फिर से भी सिंचाई करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है, और जैसा होगा इसमें आपको अपडेट देता रहूँगा। भाइयों हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहिए, थोड़ा सा अभी काम में बिजी व्यस्त चल रहे हैं तो इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है। अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग लाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।